तो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा, हम लोग अभी कोर जावा देख रहे हैं, ठीक है। तो कोर जावा में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जावा में, ठीक है। क्लास और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हमने देखा, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ये सब हमने देखा, ठीक है। अब जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा है और उसके साथ जो हमने प्रोग्रामिंग की है वो थी बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमने अब जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए उन सभी प्रोग्राम्स के आउटपुट हमने कहाँ देखे, तो कंसोल पे देखे, ठीक है। तो कंसोल्स पे हमने आउटपुट देखे। इस सेमेस्टर में हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो रहेगी हमारी ग्राफिक्स के साथ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम इस सेमेस्टर में सीखेंगे। ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग से, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग ये जो टॉपिक है ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप कहीं इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जावा का जो जावा के जो फीचर्स है उनमें से एक फीचर ये भी है कि जावा एक मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है ये हम आप देखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है देखेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जी सर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग जावा में क्या है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके जो मेथड्स होती है, क्लासेस होती है, वो क्यों लिखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके हम, ठीक है। जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है और हम उसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर उसे क्या करता है, एरर के लिए चेक करता है। अगर सही है तो हमारे प्रोग्राम को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये जब एग्जीक्यूट होती है तो जो टास्क है वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक के बाद एक परफॉर्म होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जिस ऑर्डर में हमने डिफाइन किए हैं, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उस ऑर्डर में हम वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते वक्त वो टास्क कंप्लीट कर रहा है। अब जब एक टास्क पूरा नहीं होता तब तक दूसरे टास्क का एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होता, ठीक है। तो इन टास्क को एग्जीक्यूट करने के दौरान कई बार ऐसा हो सकता है कि सीपीयू को वेट करना पड़े, ठीक है। वेटिंग प्रोसेस में चला जाता है सीपीयू, ठीक है। अब ये जो वेट होता है ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि यूज़र ने इनपुट देने से मतलब देरी की, नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरी प्रोसेस को चाहिए, तो कई सारी ऐसी वजह हो सकती है। लेकिन अब क्या होता है कि जब कोई जब सीपीयू वेटिंग प्रोसेस में चला जाता है तब क्या होता है कि वो आइडियल कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि वो क्या होता है कि सीपीयू क्या हो जाता है, आइडियल कंडीशन में चला जाता है। लेकिन ये क्या होती है, सीपीयू के टाइम की हम लोग वेस्ट करते हैं सीपीयू का टाइम, तो सीपीयू को एक ही समय पे एक ही टास्क देकर और वो अगर उसे सीपीयू को वेट करना पड़ रहा है टास्क पर कंप्लीट होने के लिए, तो उस समय वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम, सीपीयू का वेस्टेज ऑफ टाइम। अब ये जो वेट टाइम है ये कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है।
मान लीजिए कि सीपीयू के जो टाइम हम लोग कम्प्लीटली यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जावा प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग फीचर्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक टास्क परफॉर्म होने के लिए जो यूटिलाइज अगर कोई टास्क परफॉर्म होने के लिए वेटिंग प्रोसेस में जा रहा है सीपीयू, तो उस वेटिंग प्रोसेस में कोई दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक टास्क परफॉर्म होते समय कोई दूसरा पहला टास्क अगर वेटिंग प्रोसेस में चला गया, ठीक है, हमने रीजंस देखे कि किन कारणों से वो वेटिंग प्रोसेस में जा सकता है। उस समय अगर हम लोग सीपीयू को ये बताएं कि ये जो वेटिंग प्रोसेस है, वेटिंग टाइम है, इस टाइम में कोई दूसरा टास्क एग्जीक्यूट करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीपीयू का टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और ये सीपीयू के टाइम की सही यूटिलाइजेशन होगा। टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग क्यों ज़रूरी है, ये क्लियर है? फिर से बताऊं? एक बार और एक्सप्लेन। ओके, ग्रेट। देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होते समय हम पर्टिकुलर टास्क देते हैं। हम लोग प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, ताकि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। ठीक है, अब पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दिए। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। कोई सीक्वेंस एग्जीक्यूट होते वक्त समय लग रहा है। ठीक है, अगर एक हाथ जो हमारा सीपीयू सॉरी एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए अगर पर्टिकुलर एक सीक्वेंस एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ समय लग रहा है पर्टिकुलर सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होने में एक आध टास्क, तो क्या होता है कि सीपीयू जो है वो आइडियल कंडीशन में चला जाता है। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता, तो एट ए सिंगल टाइम सीपीयू एक ही प्रोसेस अगर करेगा, एक ही टास्क अगर एग्जीक्यूट करेगा, और वो उस टास्क को कंप्लीट होने के लिए वेट करता रहेगा, और उसके बाद अगर दूसरा टास्क एग्जीक्यूट करेगा तो क्या हो जाएगा, जब तक पहला टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक सीपीयू जो है वो वेट करता रहेगा। ठीक है, अगर पहला टास्क कंप्लीट होने में किन्हीं कारणों से वेट करना पड़ रहा है सीपीयू को, रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, इनपुट का डिले, नेटवर्क कनेक्शन, या और भी कई सारे रीजंस होते हैं, तो अगर इन कारणों से जो सीपीयू है वो पहला टास्क कंप्लीट करने में के लिए वेटिंग प्रोसेस में चला गया, वेट हो रहा है उसके लिए, तब तक दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या कहता है, मल्टी थ्रेडिंग का पर्पस क्या है, कि अगर पहला टास्क अगर किन्हीं कारणों से वेटिंग प्रोसेस में चला गया है और सीपीयू का समय बर्बाद हो रहा है, तो उस समय जो सीपीयू है हम दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगा सकते हैं। सीपीयू का जो एग्जीक्यूशन है वो हम दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगा सकते हैं, तब तक पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब तक दूसरा टास्क एग्जीक्यूट होता रहेगा साइमल्टेनियसली, तब तक पहला टास्क भी परफॉर्म होता रहेगा, और ये जो प्रोसेस है सीपीयू के टाइम का कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, और इस कंप्लीट प्रोसेस को मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो थ्रेड क्या है? ठीक है, थ्रेड जो है वो एक फ्रेज के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं हम। अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है,
वो एक थ्रेड है, ठीक है, जो प्रोग्राम अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोग्राम एक थ्रेड है। अभी तक हमने क्या देखे, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम देखे हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है हमारे यहाँ पे, तो मेन मेथड से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन भी एक मेन थ्रेड कहा जा सकता है, ठीक है। जब तक मेन थ्रेड कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हमने नहीं किया, तो ये क्या हुआ, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम हुआ। ठीक है, अच्छा, ओके। तो सिंगल थ्रेड प्रोग्राम में मेन थ्रेड डिफाइन और एकमात्र ऐसा थ्रेड होता है जिसमें सभी टास्क करते हैं, हम लोग करते हैं, और जो सीपीयू द्वारा सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। मेन थ्रेड जो होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद हम लोग कई सारे थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि हमने मेन मेथड में दिए हुए हैं, जिस सीक्वेंस से दिए हैं उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। अब हेलो हेलो, हाँ मुझे लगे डिस्कनेक्ट हो गए। सिंगल थ्रेड एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, क्या होता है? ठीक है, हमने अब तक क्या देखा कि सिंगल थ्रेड प्रोग्राम देखे, ठीक है, हमने अभी तक जो प्रोग्रामिंग देखी है वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग देखी है। अब जब हम प्रोग्राम करते हैं, हम मेन मेथड के थ्रू एग्जीक्यूशन करते हैं, हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन मेथड से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। कोई भी हमारा कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए, इवन हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी अगर हम लेते हैं तब भी हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। मेन मेथड से जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो मल्टी थ्रेडिंग में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये क्या है, ये एक मेन थ्रेड है, ठीक है, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जब मेन थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कोई दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अब तक हमने क्या देखा कि मेन मेथड में हमने सभी एग्जीक्यूशन मेन मेथड में ही कर लिया था, ठीक है, मेन मेथड के बाहर कोई हमने एग्जीक्यूशन किया था क्या? नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक ही थ्रेड में हमने क्या किया, एक सीक्वेंस दे दिया कि पहले मान लीजिए कि ए क्लास के मेथड्स को कॉल करो, मेन मेथड में हमने कहा ए क्लास के मेथड्स को कॉल करो, फिर बी क्लास के मेथड को कॉल किया, फिर सी क्लास के मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो ये क्या दे दिया हमने, सीक्वेंस दे दिया, मेन मेथड में एक सीक्वेंस दे दिया, तो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। पहले क्या होगा, ए क्लास की मेथड्स कॉल होंगी, फिर बी क्लास की मेथड कॉल होगी, फिर सी क्लास की मेथड्स कॉल होंगी, तो जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल थ्रेड प्रोग्राम हो जाएगा, एक ही थ्रेड में हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब जावा में जावा प्रोग्राम में एक ही सिंगल थ्रेड प्रोग्राम की बजाय हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसे मल्टीपल थ्रेड्स डिफाइन करके जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसे मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक मतलब थ्रेड्स होने पर सीपीयू के टाइम का कंप्लीट यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि जब एक थ्रेड किसी कारणवश वेट प्रोसेस में होता है तब क्या करता है, सीपीयू दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर देता है,
ठीक है। इस प्रकार के प्रोग्राम में एक से अधिक थ्रेड्स डिफाइन किए करके हम लोग सीपीयू के टाइम का कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और इससे हमारी एप्लीकेशन जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, हमारा जो एप्लीकेशन है। अब आपने कोई बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह देखे हैं, साइट्स वगैरह? लोग ना एक चेक करते हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ये। ठीक है, क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है? सिर्फ हमारी वेबसाइट को देखकर क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि किस वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी से डेवलप की है? कौन सा लैंग्वेज? किस लैंग्वेज के अंडर ये डेवलप हुई है? नहीं, HTML जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है, मतलब जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वेब प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए HTML ज़रूरी है। ठीक है, वो लिंक वगैरह जो आता है वो HTML सभी में यूज़ होता है, लेकिन HTML से फ्रंट एंड बनता है। JavaScript, HTML, CSS ये सब का यूज़ करके हम लोग जो है वो स्टैटिक पेजेस बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हाँ, जैसे PHP है, MySQL, PHP, तो ये बैकएंड के लिए यूज़ होता है। हम लोग जावा भी यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो क्या कोई बता सकता है आप में से कि ये जो वेबसाइट है ये किस टेक्नोलॉजी में डेवलप की गई है? नहीं नहीं किस आधार पर बता रहे हैं आप? चलिए, अब किस बेस पे हमने कहा कि ये जो साइट है ये जावा में डेवलप हुई है? देखिए, हम लोग सीख रहे हैं, हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो नहीं आता तो उसके लिए हमें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, ये जो साइट है ये ASP में बनाई गई है, ASP टेक्नोलॉजी। ASP पता है, .NET। ठीक है, तो ये ASP टेक्नोलॉजी में बनाई गई वेबसाइट है। अब कैसे पता चला? सिर्फ इस वेब पेज को देखकर कैसे पता चला कि ये जो वेबसाइट है ये ASP टेक्नोलॉजी में बनी है? सर, इसके वहाँ पे जो है वेबसाइट में देखिए, hindi.org.school/ASP करके। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये जो है ये URL, ये देखिए, ये यहाँ पर ये बता देता है हमें कि ये जो है ये ASP में बनी हुई साइट है। ठीक है, अब एक और बात ऑनलाइन देखते हैं। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी आपका जो वेबसाइट पर देखने का नज़रिया है वो बदलिए, कि हम लोग देखते हैं तो सिर्फ वेबसाइट को नहीं देखना है कि उसकी टेक्नोलॉजी भी देखिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये HTML में बनी है,
सही है, एच टी एम है तो ये एच टी एम एल मेमोरी होगी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है कि जो वेबसाइट्स यहाँ पे जो यू आर एल होता है, जैसे ये जो वेबसाइट है ये क्या क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि ये एस पी में बनी साइट है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये वेबसाइट पता नहीं चल रहा है कि ये किस में बनी है। ठीक है, ये एच टी एम एल क्या है, ये तो फ्रंट एंड हो गया। ऐसे वक्त क्या होता है, अब देखिए ये जो वेबसाइट है ये इतनी सिक्योर है कि यहाँ पे राइट क्लिक भी अलाउड नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट अलाउड हियर। ठीक है, आपको बताने का मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग देख रहे हैं, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग देख रहे हैं हम, और मल्टी थ्रेडिंग देखते वक्त इस वेबसाइट पर देखिए, ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूट हो ही रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, ठीक है, और जब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तब बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रहा है वो भी एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो एट अ सिंगल टाइम यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं सर, मल्टी थ्रेडिंग को मल्टी टास्किंग भी कह सकते हैं। एट कुछ लेवल तक कह सकते हैं, कुछ लेवल तक कह सकते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होता है, अच्छा चलिए हाँ हम लोग कह सकते हैं उसे, हम लोग उसके लिए एक अलग से डिफरेंस का एक लेक्चर लेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग कैसे अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ सकते हैं हम कि मल्टी थ्रेडिंग इज मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन। ठीक है, आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है, एक मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करके हम एक मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब कोई एक थ्रेड होता है जो उस थ्रेड का एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या होता है कि थ्रेड क्रिएट होता है, फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और फिर वो कंप्लीट होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हर एक थ्रेड का एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, अब जो लाइफ साइकिल है वो कैसा, एक नॉर्मल थ्रेड का लाइफ साइकिल कैसा होगा, पहले न्यू, फिर वो रनेबल स्टेट में आएगा, न्यू के बाद, न्यू माने क्या हुआ, थ्रेड क्रिएट हुआ, फिर वो क्या हुआ रनेबल स्टेट में आया, रनेबल स्टेट में से फिर वो रनिंग स्टेट में आया, और रनिंग में क्या होगा, वो जो ऑपरेशन है वो जो टास्क है वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टास्क कंप्लीट होने के बाद वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हुआ नॉर्मल थ्रेड। अब दूसरा पॉइंट ये क्या है, पॉइंट क्या है कि थ्रेड क्रिएट हुआ, रनेबल स्टेट में आया, उसके बाद रनिंग स्टेट में आया, रनिंग स्टेट में आने के बाद क्या होता है, अगर उसको कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए समय लग रहा है, तब वो जाता है वेटिंग प्रोसेस में। ठीक है, वेटिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेटिंग प्रोसेस होने के बाद वो उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल थ्रेड कैसा है, उसमें वेटिंग थ्रेड नहीं होता, और एक होता है जो उसमें वेटिंग थ्रेड होता है, वेटिंग स्टेट होता है थ्रेड में, न्यू, रनेबल, रनिंग,
डिस्ट्रॉय, ये क्या हुई, नॉर्मल थ्रेड की एक लाइफ साइकिल। अब क्या है सेकंड, क्या है हमारा, जिसमें वेटिंग स्टेट है, न्यू स्टेट में आया, उसके बाद रनेबल स्टेट में गया, रनेबल स्टेट के बाद रनिंग स्टेट में गया, रनिंग स्टेट में उसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ समय लग रहा है, इसलिए वो वेटिंग स्टेट में चला गया। वेटिंग स्टेट में जब वो उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेशन, उसके बाद वो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक लाइफ साइकिल है जो अभी हमने देखा, एक थ्रेड क्रिएट हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ वो थ्रेड, रनेबल स्टेट में आया, रनेबल स्टेट में से क्या हुआ, हमने उस थ्रेड को रन किया, फिर वो रनिंग स्टेट में आया। अगर सब कुछ सही है और एप्लीकेशन में उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो थ्रेड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कंप्लीट होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन केस उसे ज़रूरत है यहाँ पर कि वो वेट करना पड़ रहा है, तो फिर वो वेटिंग स्टेट में जाएगा और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब हर एक थ्रेड की एक प्रायोरिटी होती है, ठीक है, जावा में हर एक थ्रेड की एक प्रायोरिटी होती है, ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेड ये जो है ये प्रायोरिटी अपने पेरेंट थ्रेड से इनहेरिट करता है, ठीक है। प्रायोरिटी को हम लोग न्यूमेरिकली 1 से 10 तक नंबर के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, 1 इज़ मिनिमम एंड 10 इज़ मैक्सिमम हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये हम लोग यहाँ पे थ्रेड को प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। जावा में एक थ्रेड की प्रायोरिटी का यूज़ करके हम थ्रेड एग्जीक्यूशन को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो सभी थ्रेड्स हैं, ये उन थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन किसके बेसिस पे होगा, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे होगा। मान लीजिए कि पहले हमने एक सीक्वेंस दिया है जहाँ पहले थ्रेड की प्रायोरिटी है 1, उसके बाद दूसरे थ्रेड की प्रायोरिटी है 10, तो पहले जो दूसरा थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर पहला थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने उसकी प्रायोरिटी जो है वो डिफाइन की है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा थ्रेड है, तो सेकंड वन थ्रेड जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, इसलिए दूसरा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा। अब किसी थ्रेड की प्रायोरिटी को एक्सेस करने के लिए जावा में गेट प्रायोरिटी मेथड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो गेट प्रायोरिटी मेथड है, इससे हम लोग को उस थ्रेड की प्रायोरिटी पता चल जाएगी, और अगर हमें किसी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करनी है तो वहाँ पे हम लोग उसे सेट प्रायोरिटी मेथड का यूज़ करके हम लोग उस थ्रेड की प्रायोरिटी सेट भी कर सकते हैं, गेट प्रायोरिटी एंड सेट प्रायोरिटी, ठीक है। मेथड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि अगर गेट प्रायोरिटी ये नाम है तो क्या करेगा, ये प्रायोरिटी को गेट करेगा। नेमिंग कन्वेंशन हमने देखे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि किसी पर्टिकुलर मेथड्स को इस तरीके से नाम दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वो मेथड्स क्यों यूज़ हो रही है। जैसे यहाँ पे थ्रेड क्लास की मेथड है गेट प्रायोरिटी, तो हमें तुरंत पता चल रहा है कि यहाँ पे गेट प्रायोरिटी क्या मेथड काम क्या करेगी, तो यहाँ पे वो प्रायोरिटी गेट करके देगी। सेट प्रायोरिटी क्या मेथड क्या काम करेगी, तो उसकी प्रायोरिटी सेट करने का काम करेगी, थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करने का काम करेगी, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक। तो अब देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जावा में दो तरीके से मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है क्लासेस के ज़रिए, हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सटेंड करें, ठीक है। और दूसरा होता है रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके, ठीक है। जब हम लोग चाहते हैं कि रन मेथड के अलावा दूसरे मेथड्स का भी प्रयोग करें, तो क्या कर सकते हैं, थ्रेड क्लास का हम लोग यूज़ करके थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, और रन क्लास के मेथड के अलावा दूसरे मेथड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ रन मेथड को ही ओवरराइड करना है, तो हम रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके सिर्फ रन मेथड को ओवरराइड करके हम हमारा काम कर सकते हैं आराम से। प्रोग्राम जब देखेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। तो अब देखते हैं कि थ्रेड क्लास जो है वो हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जावा में मल्टी थ्रेडिंग का परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायर्ड मेथड्स जो है वो थ्रेड क्लास प्रोवाइड करती है, ठीक है। थ्रेड क्लास में डिफाइन किए गए सारे मेथड्स जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन के साथ अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा जिस मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो क्लास में ओवरराइड भी कर सकते हैं। थ्रेड क्लास में 30 से भी ज़्यादा अधिक मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है, जो हम लोग क्लास यूज़ कर रहे हैं थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग के लिए। उस क्लास में हमें 30 से भी ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल है मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए, और जो बेसिक इम्पोर्टेंट मेथड्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो ये मेथड्स हैं, जैसे थ्रेड का नाम पता करना, गेट नेम, थ्रेड की प्रायोरिटी गेट करना, गेट प्रायोरिटी, क्या थ्रेड अभी ये एक्टिव है तो इस अलाइव, ठीक है। तो अगर ये थ्रेड अभी करंटली एक्टिव है तो इस अलाइव ये मेथड हमें ये ट्रू रिटर्न करेगी और ये बता देगी कि हाँ ये थ्रेड एक्टिव है। दो थ्रेड को ज्वाइन करने के लिए हम लोग ज्वाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, रन मेथड, ठीक है। थ्रेड को रनिंग प्रोसेस रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट करने के लिए रन मेथड का यूज़ होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये थ्रेड थोड़ी देर के लिए वेटिंग प्रोसेस में चला जाए तो हम लोग स्लीप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। स्लीप मेथड से उसे वापस लाने के लिए या फिर थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स का हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिया, इम्प्लीमेंटेशन दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, सॉरी डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। अब जब हम मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो मेथड्स है अभी हमने देखी, ये सारी मेथड्स हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ रन मेथड को अगर हम ओवरराइड करते हैं तो भी हम जावा में मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो रन मेथड जो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, रन मेथड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, और रन मेथड को हम लोग कॉल किए बिना मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब थ्रेड क्लास में चार अलग अलग कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए गए हैं जो अलग अलग मल्टी थ्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, सॉरी जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, ठीक है। तो रन मेथड का हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम रन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बोथ वे में।
चाहे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करने के लिए कोई सा भी तरीका यूज़ करें, मतलब थ्रेड क्लास का यूज़ करें या फिर रनेबल इंटरफेस का यूज़ करें, रन मेथड को हमें डिफाइन करना ही होता है। रन मेथड को एग्जीक्यूट किए बिना हमारा मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब रन मेथड क्या करता है, हम लोग डायरेक्टली रन मेथड को कॉल कर सकते हैं या फिर जो है रन मेथड स्टार्ट मेथड को थ्रू भी कॉल किया जा सकता है। अगर हम ऐसा करें कि पहले स्टार्ट मेथड को कॉल करें और उसके बाद स्टार्ट मेथड इंटरनली रन मेथड को कॉल करें तो भी ये पॉसिबल है, लेकिन कैसे भी रन मेथड को कॉल होना ही है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली रन मेथड को कॉल कर सकते हैं या फिर स्टार्ट मेथड को कॉल कीजिए, स्टार्ट मेथड रन मेथड को कॉल करेगा इंटरनली, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है रन मेथड को। थ्रेड क्लास को इम्प्लीमेंट करते समय दूसरे मेथड्स को भी ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन इस रन मेथड को ओवरराइड करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। इसी प्रकार रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते पर भी रन मेथड को, रन मेथड की जो डिफिनेशन है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। रन मेथड को अगर हम लोग डिफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं या रन मेथड को कॉल नहीं करते हैं तो हम लोग मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। रन मेथड ज़रूरी है। रन मेथड कॉल कैसे करना है ये हम पर निर्भर है, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर स्टार्ट मेथड को कॉल करो, स्टार्ट मेथड इंटरनली रन मेथड को कॉल कर देगा, हमें डायरेक्टली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं, हमारे क्लास में थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं। इसके बाद क्लास में रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है। एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनहेरिटेंस हो जाएगा, ठीक है। थ्रेड क्लास में रन मेथड है तो रन मेथड को हम ओवरराइड करेंगे। अब ओवरराइड करेंगे तो जो हम लोग लिखेंगे वो उस बॉडी को एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूशन के लिए वही बॉडी एग्जीक्यूट होगी जो हम यूज़र डिफाइन है, ना कि थ्रेड क्लास की रन मेथड एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी क्लास है, ठीक है, जिस क्लास ने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस थ्रेड को एक यूनिक नाम भी देना होगा जो हम उस उसे पास कर सकते हैं, ठीक। अब उस क्रिएट जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। अब स्टार्ट मेथड जैसे ही कॉल होगी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट मेथड इंटरनली रन मेथड को कॉल कर देगी और हमारा जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। देखिए प्रोग्राम हमारे पास क्या है, क्या है, एक क्लास है, हमने क्या किया, एक क्लास लिया माई थ्रेड नाम का, ठीक है। एक क्लास डिफाइन किया माई थ्रेड, एक्सटेंड किया हमने, ओ सॉरी, एक्सटेंड किया हमने थ्रेड। अब मेन मेथड में क्या हो रहा है, मेन मेथड में हमने क्या किया, माय थ्रेड इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो क्लास है इस क्लास का हमने क्या बनाया, एम्प्टी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब एम्प्टी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया, ठीक है। अब ये जो स्टार्ट मेथड को कॉल किया, अब इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी हमारे पास स्टार्ट मेथड है क्या, नहीं है, ठीक है। स्टार्ट मेथड कहाँ है, इस थ्रेड क्लास में है। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो एम्प्टी है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया
और ये स्टार्ट मेथड कहाँ है, इस थ्रेड क्लास में है। तो जैसे ही ये स्टार्ट मेथड कॉल हुई, इस स्टार्ट मेथड ने इंटरनली क्या किया, रन मेथड को कॉल किया। अब रन मेथड कौन सी कॉल होगी यहाँ पर जो है थ्रेड क्लास में, वो मेथड कॉल नहीं होगी। कौन सी मेथड कॉल होगी जो यहाँ पर हमने ओवरराइड की है, ये मेथड कॉल, ठीक है। तब क्या होगा कि स्टार्ट मेथड ने यहाँ से इस मेथड को कॉल किया, रन मेथड को, और ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर थ्रेड इज रन, फिर से बताना है, हाँ कंफ्यूजिंग है ना, हाँ ठीक है। हमारे पास एक क्लास है माई थ्रेड नाम का, ठीक है। इस क्लास ने एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को, ओके। ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस है ये, बढ़िया, ठीक है। अब हमारे पास जो माई थ्रेड नाम का एक क्लास है, उस क्लास में एक मेन मेथड है, ठीक है। मेन मेथड में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया माई थ्रेड क्लास, माई थ्रेड एम्प्टी, माई थ्रेड एम्प्टी इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, ठीक है। तो एम्प्टी क्या हुआ, ये जो माई थ्रेड क्लास है इस क्लास का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है, माई थ्रेड क्लास का, जो कि हमने डिफाइन किया है। अब इस क्लास ने क्या किया, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है, ठीक है। अब जब इस माई थ्रेड ने थ्रेड क्लास को इनहेरिट किया है, तो उसकी जो सारी मेथड्स है, सारे डेटा मेंबर्स है, वो माई थ्रेड में आ गए इनहेरिटेंस के थ्रू, ओके। क्लियर हो रहा है, ये थ्रेड क्लास है और ये क्या है, ये माय थ्रेड क्लास है। जब माय थ्रेड क्लास ने इस क्लास को इनहेरिट किया, तो इसकी जो सारी मेथड्स है, डेटा मेंबर्स है, सारे कहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है। इसने इनहेरिट किया ना, सारी प्रॉपर्टी कैसे हुई, इसकी सारी प्रॉपर्टी इसे मिल गई, ठीक है। तो स्टार्ट मेथड जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये स्टार्ट मेथड है, तो स्टार्ट मेथड भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रन मेथड भी है, तो रन मेथड भी आ गई यहाँ पर, ठीक। लेकिन हमने क्या किया कि माय थ्रेड क्लास में रन मेथड को ओवरराइड कर दिया, जो यहाँ पर लिखी हुई रन मेथड है उस मेथड को हमने यहाँ पर दोबारा लिख दिया, ये ऐसे, ठीक है। और जब हम उसे माई एम्प्टी के ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट के थ्रू, एम्प्टी क्या है, हमारे माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो माई थ्रेड के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, इस स्टार्ट मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो स्टार्ट मेथड का काम क्या है, रन मेथड को कॉल करना। तो उसने क्या किया, उसने रन मेथड को कॉल किया यहाँ पर, ठीक है। और इस वजह से ये एग्जीक्यूशन हो गया।
ठीक है, अभी क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, अब ये तो हुआ हमने एक्सटेंड करके किया है हमने, मतलब क्या किया हमने, इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब अगर हमें इनहेरिटेंस का प्रयोग हमने कहीं और कर लिया है पहले ही, ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे किया एक्सटेंड, हमने कोई क्लास ले लिया है, ए क्लास ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, पहले ही हमने क्लास ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया है माई थ्रेड में, और अब हमें मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करना है, तब क्या होगा? तो ऐसे समय पे हम क्या करेंगे, रनेबल इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो हमारा दूसरा तरीका है मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो रनेबल इंटरफेस को दोबारा मल्टी थ्रेडिंग को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं, हम लोग जो क्लास, हमारे पास जो क्लास है, उस क्लास में जो रन मेथड को इम्प्लीमेंट करता है और उसी क्लास को क्रिएट करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करते हैं जो रन मेथड को इम्प्लीमेंट करती है और उस क्लास को क्रिएट करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और आर्गुमेंट के रूप में कंस्ट्रक्टर को रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास और थ्रेड का नाम पास कर देते हैं। इसके बाद थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करते हैं और थ्रेड का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, एक क्लास है हमारे पास, क्लास माई थ्रेड, हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया उसे रनेबल इंटरफेस से, ठीक है, रनेबल इंटरफेस से हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिखा है, ये जो है माई थ्रेड, तो ये क्या है, माई थ्रेड कंस्ट्रक्टर, माई थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया टी, ठीक है, और यहाँ पर थ्रेड क्लास जो है वो चार अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक तरीका दिया है ऐसा, चार में से एक, ये जो दिस है ये क्या रेफर करता है, खुद को रेफर करता है, और यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स में स्ट्रिंग दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया, स्टार्ट मेथड का काम क्या है, रन मेथड को कॉल करना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा, रन मेथड को कॉल हुआ, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के। पहला तरीका क्या है, हम लोग क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो आज हम रुकते हैं यहीं, हम लोग कल देखेंगे, अभी इसका एक और टॉपिक है, देखिए जब तक हम इसे प्रोग्रामेटिकली नहीं देखेंगे ना, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। हो सकता है अभी मैंने आपको जितना बताने की कोशिश की है, आपको पॉसिबिलिटी है कि 10% क्लियर हुआ है, आउट ऑफ 100 आपको 10% क्लियर हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है, जब हम इसे प्रोग्रामेटिकली देखेंगे तब हम इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको अभी ये 50-60% क्लियर है तो प्रोग्राम आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है, अभी के लिए क्लियर है ये? यस सर। ओके, ग्रेट। यस सर।
ठीक है, तो फिर आज रुकते हैं यहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।